वफा न्यूज़, रहे खबरों से बाखबर। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जेल भरो तहरीक के फोकल पर्सन एजाज चौधरी कराची पहुंच गए। कायदे हज़्ब एतराफ़ सीनियर असेंबली हलीम अदी शेख ने पीटीआई रहनुमाओं के हमरा इनका इस्तकबाल किया। सेंटर एजाज चौधरी ने 3 रोजा दौरे पर कराची पहुंचे हैं। एजाज चौधरी सिंध में जेल भरो तहरीक के हवाले से शेड्यूल तरतीब देंगे। सेंटर एजाज चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त संगीन तरीन आईनी बुहरान से दोचार है। आज आईन ने अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी है। अगर आईन पाकिस्तान का पामाल होता है तो मुल्क की सलामती को खतरा है। आज पाकिस्तान संगीन तरीन आईनी बहरान से दोचार है और बजा तौर पर चीफ जस्टिस का ये कहना कि आज आईन ने अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी है और पाकिस्तान के अंदर आईन एक वाहिद मुत्तफिका दस्तावेज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम अली शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हम सेंटर एजाज चौधरी को सिंध आने पर वेलकम करते हैं। एजाज चौधरी 3 रोजा दौरे पर कराची पहुंचे हैं। जेल भरो तहरीक के लिए सिंध के तमाम अजला का शेड्यूल तरतीब देंगे। आज हम वेलकम करते हैं अपने इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोकल पर्सन बराए जेल भरो तहरीक चौधरी एजाज साहब कराची तशरीफ लाए हैं। 2 या 3 रोजा दौरा है जिसमें इन्होंने पूरा स्केजूल तय करना है कि सिंध में जो जेल भरो तहरीक है उसमें किस किस शहर में कब कब किस किस ने गिरफ्तारियां देनी है। हलीम अदी शेख का कहना है कि लाठी गोली की सरकार के सामने हम भी जलाओ घराओ की सियासत करते तो मुल्क को नुकसान होता। हमने जमहूरी तरीका अमल अपनाया है जो जेल भरो तहरीक है। इसको लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।